नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति का कैसे नाम लिखा जाए या लिखा लिखना जो है सीखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या जो हमारे साथ बैठी हुई है और ये इंग्लिश पढ़ने आई थी, अब इंग्लिश लिखने पर भी इनको फोकस मैंने कराया है, फिर बोलने पर भी थोड़ा थोड़ा, समझने पर भी, तो अब मैं यहाँ पर इनका ये टेस्ट लूँगा। छोटे से शब्दों को मैंने, मतलब नाम को मैंने लिखा है, और ये नाम बहुत ही सामान्य नाम है, इनको कितना ये सही लिख पाती हैं पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक बात, आप ये कुछ जो शब्द हैं, जैसे मैंने लिखा है नाम, संजय, राजू, शोभा, रीता, गीता, अमरेंद्र, जोगेश्वर, और लास्ट में आप एक नाम और आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जनार्दन भी लिखा है। अब देखिए इसमें से ये सिर्फ देखना है, नाम जो है नाम मात्र है, कि आप देख रहे होंगे कि सभी को मैंने तोड़ा है, अक्षर को मैंने तोड़ दिया है। आप देख रहे होंगे स, फिर उसके बाद स्पेस देकर ज लिखा, स्पेस देकर ज, मतलब स्पेस नहीं दिया, जो ऊपर का जो लाइन है उसको ब्रेक किया मैंने, ताकि दिमाग में ये मैसेज जाए कि भाई मुझे सिर्फ रा लिखना है, मुझे सिर्फ जू लिखना है, मुझे सिर्फ सो लिखना है, मुझे सिर्फ भा लिखना है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे, ताकि ये तो सिर्फ नाम है, आप चाहे पता हो, चाहे आप मैसेज टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो टेक्स्ट मैसेज करते हैं वैसे ही नाम लिखा जाता है, या कह सकते हैं जैसे नाम लिखा है तो वैसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, बारह खड़ी आना चाहिए, काका किकी, स्वर आना चाहिए, अ से अह तक अंग्रेजी, और व्यंजन आना चाहिए, क से ज्ञ तक अंग्रेजी आना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं अच्छे से नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला नाम है संजय। आपको क्योंकि पहले ही मैंने बताया इनको हमारे स्वर व्यंजन के बारे में, आप जो कि अक्षर है उसको लिखिए और उसी हिसाब से लिखिए, संजय। देखिए वहां देखिए ज को क्या पढ़, क्या लिखते हैं आप? जी जी, इंग्लिश नहीं है ये, क ख ग ज्ञ वाला, तो जी ना होगा, संजय, जे, जय। हाँ, जे से, जे ज से क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे देखिए, जैसे देखिए, ज कहाँ, कौन सा वाला में आता, तो प प व म, ज कहाँ, जी से भी ज होता है। देखिए च छ ज, च छ उसके बाद ज, ज का क्या होता है, ज का ज होता है, अरे च का सी एच होता है, छ का सी डबल एच, ज का, ज का क्या होगा अंग्रेजी, जी है। आपको क ख याद है अंग्रेजी का, याद है जी? हाँ, तो बताइए कैसे क, हाँ बोल दीजिए तो इसलिए कैसे क, के से ख, जी से ज, जी से झ, एन से, जी से झ, जी, मैं क ख आपको नहीं पढ़ने आता क्या, झ बोल रही इसमें आता है कि नहीं आता है, आप तो हमारा टेस्ट लिए थे ना पहले, ऐसा गलत क्यों बोल रही है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, गलत क्यों बोल रही है, क ख ग घ ना कि झ, बोलिए क का, के से को, हाँ ख का से ख, ग जी एस घ से घ, जी एस से घ, हाँ ग का, ग का जी से ग, ग अंगा का, एन से, एन से, एन एन जी, एन जी से अंगा, च का, च का सी से च, सी एस से छ, जी, देखिए फिर गलत, सी गलत, सी से च होगा कि सी एस से च होगा, से ध्यान से बोलिए थोड़ा सा आराम से, सी एच से च, हाँ छ का, सी एच ए सी एच, अरे भाई सी एच से च तो हो ही गया, तो छ, हाँ सी तो आएगा ही, हाँ आएगा ही, सी से, देखिए नहीं आ रहा है, एक्चुअली भूल गई है लगता है, एक्चुअली भूल ही नहीं है, दिमाग में ये ले नहीं है कि किस तरह से मुझे करना चाहिए, और ये इनको करना भी चाहिए, कि दिमाग में जब तक बात नहीं आएगा तो कैसे कभी नाम लिखेंगे किसी का। ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ दिखाने के लिए है, अगर नहीं आएगा तो बात आगे भी दिक्कत होगा इनको ना। तो बताइए ज, देखिए सन तो लिख दिया आपने, ज का क्या होगा अंग्रेजी, लिखिए, लिखिए जे, इनको क ख ग शायद नहीं याद है अभी, संजय, देखे देखे ना, संजय इन्हें लिखा है, संजन, आंख मून के लिखना, आंख मून के पढ़ना, देखिए, अरे वहां नहीं देखना था इसीलिए तो कहें, ये देखिए इनको सब पता है, लिख देंगे सब, लेकिन जब मैं पूछ रहा होता है इनका
नहीं इनसे हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे भाई यहाँ ऊपर लिखने के देखना था ना कि क्या लिख, क्या हिंदी का अक्षर बताइए क्या लिखा हुआ है, हिंदी का अक्षर क्या लिखा हुआ है मुझे बताइए। राजू लिखा हुआ है, राजू कैसे लिखते हैं? राजू जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते तोड़ के हैं। बोलिए उसे। आर अरे भाई हिंदी को तोड़िए। अब हिंदी को क्यों तोड़े, हमको नहीं आता है तोड़ने, रा जू ये तोड़ दिया मैंने। तो आप तोड़ दीजिए, हम उसको वाह, तो जोड़ लिखिए रा का, देंगे। लिखिए अंग्रेजी रा का, लिखिए रा का, लिखिए आर। देखिए नाम है हमेशा लेटर बड़ा होगा, ठीक है? नाम है ना बड़ा होगा हमेशा। रा लिखिए रा। अब जू लिख दीजिए सटा के जू। जे नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए, नीचे से, बड़ा नहीं लिखना है छोटा। जू लिखिए। देखिए दोस्तों, देखिए आपने देखा कि ये लिखी तो सही रही है। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए सो, लिखिए सो, और उसके बाद भा लिख दीजिए। लिखिए सो सो। अच्छा ये कौन सा ऐसे सा है? स कौ, बयालवे हिंदी का शब्द देखिए जो हिंदी हिंदी का का 1900 है, तालाबे शाह का कौन, क्या अंग्रेजी होगा? ये 100 का तो 100 ही होता है, ऐसे ही होता है, सब सगा हम नहीं जानते हैं सब सौ का, लेकिन हमको सब सौ का एक ही पता है ऐसे। दोस्तों देखिए यही है उनका लिखा हुआ, पहले से इनका टेस्ट मैंने लिया है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि अभी तो बोले कि सब सगा इनको पता ही नहीं है, ये तालाब श है और एस एच भी इन्होंने लिखा है, ठीक है? मूर्धन्य ष को भी इन्होंने एस एच लिखा है और दंत स का एस लिखा है। तो जब इनको खुद नहीं अपना लिखा हुआ भी इनको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगी तंसा ना में तो पहले एस है ही ना, उसके। चलिए समझ में क्या आ गया ना आपको, एक बार फिर से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। गौर से देख लेंगे तो। लिखिए सो, लिखिए सो। वहां जो, अरे वहां अक्षर पे लिखा हुआ बाबा। यहाँ नहीं लिखे हैं हाँ वहीं लिखिए देख कर ये कौन सा स है, कौन सा ओ। गुलाबी सो तो है, हाँ लिखिए, बहुत बुलवाती है एक्चुअली। शोभा लिखना है ना, हाँ बी से भी होता है, बी से भी होता है। जैसे लिखना लिख दीजिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं हट रहा हूं। इसको यहाँ बी भी होता है और भी होता है, हम शोभा लिख रहे, रीता। गीता, लिख दिया। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों इन्होंने लिखा तो सही है, अब देखते कहाँ कहाँ इन्होंने सही लिखा कहाँ गलत। संजय ये जो है सही है इनका, राजू सही है। शोभा में ये भी ये नहीं लिखना है, बी एच लिखना था। रीता सही है, गीता अगर देखा जाए तो सही है लेकिन ऐसा लिखने की परंपरा नहीं है। अमरेंद्र में जो है ए यहाँ पर नहीं लिखा इन्होंने एम, चूंकि अ जो है एम के बाद जो है म के लिए म में अ लगा हुआ है, ठीक है? द्र में भी अ लगा हुआ है क्योंकि पूरा अक्षर है, तो यहाँ भी ए गायब, यहाँ भी ए गायब। जोगेश्वर में चूंकि चूंकि ये आधा तालाबेश है तो सिर्फ एस एच हो जाता,
और यहाँ भी है, भी में भी अ लगता, आर का तो लगता नहीं है, तो यहाँ भी ये गलती इन्होंने किया है। फिर देखिए जनार्दन, ये जो है इन्होंने सही लिखा है जनार्दन, तो ये नाम जो है सही इनका हुआ है। बाकी गीता में डबल ई लिखी, गीता तो ऐसे लिखते हैं, गीता ऐसे लिख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, डबल ई लिखना है, ठीक है। उसके बाद शोभा में आप शोभा शोभा लिख सकती हैं लेकिन शोभा लिखना है बी एच, ठीक है। ये किसी व्यक्ति का अपना ज्योतिषीय होता ना, ज्योतिषीय गणना के अनुसार लोग अपना स्पेलिंग चेंज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं। नाम खुद शोभा है, मेरा नाम शोभा है, गीता है, रीता है, मुझे ऐसे ही लिखना आता है। देखिए अगर चाहे आप शोभा हो, गीता हो, गीता हो, या आप बबीता हो, है ना, या बबीता फोगाट हो, या आप चाहे क्या बहुत सारी हैं हमारे जो भी प्लेयर हैं, तो कोई भी है, या नाम लिखने के लिए जो है स्वतंत्र है, स्पेलिंग में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य जो है, सामान्य अक्षर जो है, जैसे कि भ, भ का अंग्रेजी में मतलब हिंदी में जो व्यवस्था दिया गया है बी एच, है ना, बी एच से भ होता है, ब का क्या होता है बी, तो भ का बी एच होता है। तो मैंने वहाँ साफ साफ मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया था कि भा लिखना है यानी बी एच लिखना है, या ता लिखना है, या री लिखना है, यहाँ गी लिखना है तो डबल ई लिखना था, बड़ी कार है, यहाँ बड़ी री है तो डबल ई लिखना था। अमरेंद्र में देखिए यहाँ पर अ लगाना था, तो कुछ कुछ जो है सावधानी आपको बरतना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि कैसे आपको गलती करने से बचना है। अब एक टेक्स्ट मैसेज इन्हीं से मैं कराऊंगा, अब देखते हैं कि टेक्स्ट मैसेज करती हैं या नहीं। चलिए टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ऐसा मैसेज कर सकती है ना किसी को, इंग्लिश में लिखना है, लिख दीजिए आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। डबल होता है स्कूल में, SCH डबल ओ एल स्कूल, आपको जो लिखना है लिखिए, डबल एल आपको जो लिखना बता दीजिए, एक ही एल होता है स्कूल में, डबल एल नहीं होता, डबल ओ होता है स्कूल का वर्ड। आप स्पेलिंग प्लीज बता दीजिए, हमको उतना अच्छा। अरे आप मैसेज कैसे करेंगे, आप स्कूल का स्पेलिंग तो आप स्कूल लिखिए, हिंदी वाला स्कूल लिखिए, एस का एस, कू का के यू, एल का एल, स्कूल ऐसे लिखिए। आप तो बताते हैं ना, तो बता दीजिएगा तो क्या जाएगा, लिखिए SCHOOL स्कूल, SCHOOL डबल ओ एल एल, हाँ स्कूल। अब ऐसी मतलब मैसेज आप मैसेज करती हैं तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ऐसे पूछ के करते हैं इस मैसेज। मैसेज करना और लिखना थोड़ा फर्क होता है, नहीं जाऊंगी स्कूल, नहीं जाऊंगी, देखिए दोस्तों ये सरासर जो है इनको ये पता चल जा रहा है कि आज भी गलत, मैं भी गलत, स्कूल तो मैंने बता दिया है, नहीं सही लिखा है, जाऊंगी गलत लिखा है। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस इनको करना होगा, अदरवाइज दिक्कत तो होगी ही तो होगी। मोबाइल पे कर लेते हैं, हाँ देखिए मोबाइल पे तो सभी लोग करते हैं बोल कर, या चूंकि कुछ वर्ड सजेस्ट भी किए जाते हैं, बोल कर नहीं करते हैं ना, सजेस्ट करता है कोई, तो यहां, आप अभी कर गलत कह रहे हैं, अभी दिखाइए ऑडियंस को, दिखाइए कि हम कर सकते हैं, हो जाता है, हमको पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश। चलिए स्टार्ट कीजिए पढ़ना कम से कम। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सम स्कूल, देखिए स्कूल अभी आप नहीं लिख पा रहे थे, देखिए स्कूल आ गया ना, सम स्कूल, लेकिन स्कूल तो पढ़ रही है लेकिन लिख क्यों नहीं पा रही थी। हम लिख लेते हैं पर यहाँ पे पता नहीं, हमको आपसे डर लगता है कि आपसे क्या होता है, हमको नहीं पता। डरिए नहीं, अच्छे से सीखिए, आप बात बहुत नरम से नहीं करते हैं, बहुत गरम से करते हैं, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है। सम स्कूल, सम स्कूल
चिल्ड्रेन वाटर विजिटिंग, अच्छा वाटर के बाद वाटर पढ़ दिया आपने, डब्ल्यू ई आर को डब्ल्यू ई आर ई को वाटर, वेयर लिखा हुआ, वर वर, हाँ वेयर नहीं वर, वर यूजी यू नहीं भी विजिटिंग, हाँ अभी हम विजिटिंग बोले थे हमको, फिर ही आगे बढ़ जाइए, विजिटिंग एंड एक्स एक्स ही एग्जीबिशन, एग्जीबिशन पढ़ते उसको, हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, हमको समय भी दे दीजिए, सही बात है, चलिए एग्जीबिशन, एग्जीबिशन ऑन एंड डी हैं डी कार फिस्ट, हैंडी कार फिस्ट कैसे पढ़ेंगे इसको, आप तो पढ़ लेती हैं तो पढ़िए, तो जो हैंडीक्राफ्ट्स क्रा हैंडीक्राफ्ट, थोड़ी देखिए कैसे पढ़ा मैंने, हैंडीक्राफ्ट, हाँ द आर्टिकल 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 आर्टिकल्स आर्टिकल्स इन द एक्सहिबिशन एक्स एग्जीबिशन नेक्स्ट वेयर वर वर कलेक्टेड 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 फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पास्ट ऑफ द कंट्री मोना बीकेड बीकेड पीकेड पिग्ड पिग्ड अप ए बैग बैग की बैग वही बैग तो बैग क्यों पढ़ रहे हैं बैग एंड एक्सक्लेमेड एक्सक्लाइमेड एक्सक्लाइमेड एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग फिर दोज आर मैड मेड मैड माने पागल मेड माने बनाना मेड ऑफ हमको पढ़ना आता है लेकिन हमें दिक्कत हो रहा है पढ़िए कन ए अरे ए के बाद ई है तो ए को तो ए बोलेंगे ए फिक्स देखिए फिक्स हो गया ए फिक्स हो गया ए के बाद एन है एन के बाद ई है तो ए का उच्चारण ए होगा सी को क बोलेंगे तो क्या हो का ए क्या हो गया का प्लस ए के तो केन्स केन्स एंड बम्बोस हाँ बम्बोस इन द एस्टर्न एस्टर्न एंड नॉर्थ एक्स्ट ईस्टर्न एक्स्टर्न हाँ नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड नहीं ह्यूमिड ह्यू ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया जोर से बोलिए इंडिया अरे सबको जोर से बोलना है बाबा एक को वो नहीं बोलना है जितना जोर से मैं बोलता हूँ जोर से कम हाँ बोल दीजिए अब तो गुस्सा करते हैं हाँ चलिए एक लाइन और पढ़ के रोक दीजिए यहाँ तक बस उसी को स्टॉप करना ग्राउंड ग्राउंड नहीं एन नहीं है उसमें देखिए आर है एन है उसमें ग्रोज हाँ ग्रोज ठीक है इन प्लेंटी प्लेंटी जस जैस जैसी जैसी हाँ जैसी जैसी वास हाँ एक्सलेंट एक्सलाइड एल है उसमें एक्सक्लाइड एल है उसमें हाँ है नहीं बढ़िया बढ़िया स्पेलिंग बढ़िया है तो बढ़िया स्पेलिंग मेरी आंखों से प्रॉब्लम हो रही है ना ई एक्स ई आई एक्स सी आई टी ई डी टेड एक्स एक्साई एक्साइड टू एक्साइड नहीं एक्साइटेड एक्साइटेड टू सी ए सिल्क सर सोर एस सी ए आर एफ सर सोर एस सी ए है स हुआ ना एस स नहीं हुआ एस हो गया एस एस आधा स है ना एस एस क्रॉफ हाँ क्या होगा एस क्रॉफ स्कार्फ
तो बस दोस्तों यही तक रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें बहुत सारी जो है लगातार पढ़ना भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी, और चश्मा भी अपना नहीं लेके आई है तो दिखने में भी दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी दिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे इस जो जो स्क्रीन है उसको इसको इनलार्ज करके आप अक्षर को जो वर्ड्स उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक नीचे एक लाइक बटन है, लाइक करिए, इनका हौसला को बढ़ाइए और ताकि ये कर सकें, अच्छा कर सकें। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।